लक्ष्मी, लक्ष्मी, बदन तो पोछ लेने दो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। नहाने के बाद तो तुम्हारा रूप और भी खिल उठता है। लोग कहते हैं ना चांद का टुकड़ा, बिल्कुल वैसी लग रही है। विजया, अरे तुम तो गाय से इस तरह बातें कर रही हो जैसे ये जानवर नहीं इंसान हो। तुम तो जानती हो रंभा, यही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी सखी। वो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद क्या करोगी? क्या इसे भी अपने साथ ले जाओगी डोली में बिठाकर? मेरी डोली तो जब उठेगी तब उठेगी, लेकिन तुम्हारी मंगनी तो अब होने वाली है। कब आ रहे हैं दूल्हे वाले देखने? शर्मा मत, बोलो ना। अगले हफ्ते तुम भी आओगी ना? जरूर आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हारे लिए दूल्हा कौन पसंद करेगा? अच्छा मैं चलूं? तुम यहीं खड़ी रहना। तुमने मुझे बचाने के लिए गिराया था ना? तुम कितना ध्यान रखती हो मेरा, कितना प्यार करती हो मुझसे। होना ही चाहिए, मैं भी तो तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। देखो, इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, सिवाय एक दूसरे के, है ना? ए बुढ़िया, क्या है ये सब सब्जियाँ? एक एक से तोलना जल्दी से। सब्जियाँ बाद में तोलूंगी, पहले पिछले पैसे तो चुका। अरे पिछले पैसे? कौन से पैसे? पिछले पैसे ही छोड़। साइकिल सब्जी वापस रखो। नहीं रखूंगा। तू थानेदार लगती है क्या इस गांव की? जी हाँ लगती हूँ, आप सब्जी वापस रखिए। अरे हाँ, छिपकली कहीं की। मेरे नहीं, मौसी के पापड़ जाते हैं। अरे अरे उठ, अरे उठ। मौसी के सारे पैसे चुका। चुकाता हूँ। अरे बाकी के भी तुम रख लो, मुझे माफ कर दो, दोबारा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मेरी तौबा, मैं जाऊँ? हाँ। कहो मौसी, कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, परमेश्वर तुम्हारा भला करे। गांव में जब कोई बदमाश किसी गरीब को तंग करता है, तब तुम भगवान की लाठी बनकर सामने आ जाती हो। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। फाइन लव चाचा जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आई है, बधाई हो मुखिया जी, आपको बधाई। बधाई हो। धन्यवाद। चौधरी जी, मुखिया जी हर साल अपनी बच्ची का जन्मदिन इस चाव से मनाते हैं जैसे कोई लड़के का। फर्क भी क्या है, दोनों ही तो माँ बाप की संतान है। भाई साहब, हमारे लिए तो यही बेटी है और यही बेटा। क्यों बेटे? ओ तो ठीक है बाबूजी, दीदी क्यों नहीं आई है? विजया क्यों नहीं आई? मुन्नी, वो देखो आ गई। अरे वाह, आज मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। ये लो, तुम्हारे लिए ओढ़ने का कपड़ा। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पाए लागू चाचा जी। जीती रहो बेटी। बेटे अब गौ माता को भी प्रणाम करो। गौ माता प्रणाम। ओढ़नी तो ले ली दीदी से, अब दीदी का मुंह मीठा भी कराओ। खोले दीदी। मुन्नी के जन्मदिन पर तुम्हारे लिए। हाँ पर नहीं। क्यों? मेरे पास लक्ष्मी के लिए कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है बेटी? मैं तो जानता हूँ कि तुम दोनों के शरीर दो हैं और प्राण एक, उसके लिए भी लाया हूँ। ये लो। ये लो लक्ष्मी, देख दादा जी तेरे लिए क्या लाए। देख देख। चाचा जी आप मेरे पाँव की पायल और लक्ष्मी के घुंघरू की झनकार से सारा गांव गूंज उठेगा। क्यों नहीं बेटी? खाती क्यों नहीं? चलो खाओ। समझी? मैं नहीं खाऊंगी तो आप भी नहीं खाएंगे। क्यों? महारानी जी आपके साथ तो यही मुसीबत है। मुझे भूख हो या ना हो हमेशा आपके साथ खाना पड़ता है। चलो अब। अरे वाह। भूल जाते कि नहीं स्कूल? भूल जाते कि नहीं? सुबह से तंग कर रखा है। अरे ओ गंगा मौसी, क्यों मार रही हो बच्चे को? भूल जाते कि नहीं स्कूल? भूल जाते कि नहीं? बात मानता ही नहीं। क्यों मार रही हो बच्चे को? मारो नहीं तो और क्या करूं? सवेरे से एक ही रेट लगाए बैठा है, स्कूल अकेले नहीं जाऊंगा। क्यों रे मुन्ना, तू अकेले स्कूल क्यों नहीं जाता? डर लगता है? वारे मेरे जंग बहादुर, मर्द होके डरता है। लक्ष्मी, ये जो हमारा मुन्ना है ना, ये अकेले स्कूल जाने से डरता है। तू इसे ले जा। अब तो नहीं डरेगा ना? शाबाश। लक्ष्मी, इसको स्कूल छोड़ने के बाद सीधे मेरे पास खेत में पहुंच जाना। इधर उधर आवारे गर्दी नहीं, समझी? और सुन, रेल की लाइन पार करते वक्त सिग्नल देखना। अगर हाथ नीचे हो तो रुक जाना, गाड़ी जाने के बाद पार करना, समझी? चलो, अब तुम दोनों स्कूल जाओ। रेल की लेन पार करते वक्त सिग्नल देखना, अगर हाथ नीचे हो तो रुक जाना, गाड़ी जाने के बाद पार करना, समझी? बस बस लक्ष्मी, बहुत रौनली मिट्टी, अब जाके बैठ जाओ। Please. Hi. 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 So Sheila, mere Junjun, when did you come? We've been waiting for you for the past 2 hours. 2 hours? Yeah. Come, I'll compensate it. Come. Hello. Yes, James Bond speaking. माँ, अरे माँ कैसी हो माँ? मैं अरुण बोल रहा हूँ. मैं अच्छी हूँ बेटे. तुम कैसे हो? अरे माँ मेरा क्या पूछती हो? दिन रात खून पसीना एक कर रहा हूँ. ए माँ, मैंने जो नया कारोबार शुरू किया है ना, उसके लिए 25,000 रुपया और चाहिए. 25,000 रुपया. 25,000 और? अरे पिछले हफ्ते तो 50,000 भिजवाए थे. तुम पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करो माँ. मुझे जल्दी से पैसे भेज दो. जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना तो एक एक पैसे का हिसाब दे दूंगा. लेकिन देखो पैसे भेजने में देर मत करना, वरना जितना पैसा पहले खर्च किया है ना वो सब भी डूब जाएगा. अच्छा अच्छा, मैं मुंशी जी से अभी कह देती हूँ, वो तुम्हें रुपए भेज दे. अच्छा सुनो, शाम को तुमको जरूर फोन करूंगा. हाँ 5 बजे के बाद. नहीं बेटे नहीं, आज फोन नहीं करना. मैं अभी गंगापुर जा रही हूँ अपने सेवाराम के लिए लड़की देखने. शायद लौटने में देर हो जाए. माँ जल्दी वापस आ जाना ना. अच्छा अच्छा बेटे, आ जाऊंगी. अरे आम्रपालियों, अब तो खुश हो ना? कल शाम तक तुम दोनों को पैसे मिल जाएगा. नहीं मुंशी जी, आपका ख्याल गलत है. अरुण अब पहले जैसा नहीं रहा. ऐसी वैसी बातों के लिए उसे फुर्सत ही नहीं है. दिन रात वो काम में जुटा रहता है. यहाँ गांव की बात और थी. 24 घंटे उसे शरारतें सूझती थी. कभी इस लड़की को छेड़ा, कभी उसका हाथ पकड़ लिया. इसीलिए जब उसने कहा कि वो शहर जाकर कुछ कारोबार शुरू करना चाहता है, तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और उसे फौरन शहर भेज दिया. सोचा जिम्मेदारी के बोझ के नीचे वो सुधर जाएगा. और अब वो सुधर गया है मुंशी जी. भगवान करे ऐसा ही हो. आप तो बड़े शकी हैं मुंशी जी, पर फिक्र न कीजिए. मैं जल्दी ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर अरुण को शादी के बंधन में बांध दूंगी. आप तो जानते हैं शादी के बाद बड़े बड़े सुधर जाते हैं. सेवाराम, अरे वो सेवाराम. आया बाजी. तैयार हो गया तू? तैयार तो मैं सुबह से था माजी, बस नजर बट्टू लगाने के लिए गया था. देरी तो आपकी तरफ से हो रही है. दूल्हा बनने की बहुत जल्दी, क्यों? अच्छा मुंशी जी, मैं जा रही हूँ. अरुण को पैसे भेजना न भूलिएगा. जी नहीं भूलूंगा. चलो सेवारा. चलो भाई. भगवान ने माँ को भी क्या नजर दी है. बेटे का तिल जितना गुण वो मीलों दूर से देख सकती है, मगर उसकी पहाड़ जैसी बुराई उसे पास से भी नजर नहीं आती. शक्ल से तो अच्छी है सेवारा. बेटी सीना पुरोना भी जानती हो? सीना माँ जी, ये तो ऐसे सीती है जैसे मशीन भी नहीं सी सकती. थोड़े शब्दों में मैं इतना ही कह सकती हूँ, इसमें वो सारे गुण मौजूद हैं जो एक पत्नी में होने चाहिए. जैसे कि खिलाने में माता, सेवा में दासी, काम में मंत्री, रूप में लक्ष्मी, शयन में रंभा और क्षमा में धरती. माँ जी, आपको और कुछ पूछना है हमारी रंभा के बारे में तो पूछ लीजिए. हाँ एक सवाल है. क्या तुम इसके वकील बनकर इतना बोलती हो? क्या इसके मुंह में जबान नहीं है? यही तो मुश्किल है लड़कियों की. बोलो तो बेशरम, ना बोलो तो गूंगी. रंभा तू जल्दी से कुछ बोल देने, तो ये तुझे गूंगी समझेंगे. अरे बोल ना. चलो बोलो. माँ जी, विजय ने जितनी भी तारीफ की मेरी, मैं उससे बहुत कम हूँ, लेकिन मैं अपनी हर कमी पूरी करने की कोशिश करूंगी. सुना सेवारा, तेरे तो भाव खुल गए. माँ जी, आपने तो हमारी लड़की के बारे में बहुत कुछ पूछ लिया. अब मैं आपके लड़के के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो. महाशय जी, आपका नाम और काम क्या है? जी मेरा नाम भी वही है और काम भी वही है, सेवा. मतलब ये नाम सेवाराम, काम सेवा करना माँ जी की. और कल कहीं माँ जी ने आपको नौकरी से निकाल दिया तो? माँ जी बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ. तो आप क्या करेंगे? अव्वल तो माँ जी मुझे नौकरी से निकालेगी नहीं, और अगर निकाल दिया तो भगवान की दुनिया छोटी नहीं, मेरे पाँव टूटे नहीं. क्यों माँ जी? कैसी कही? चुप. चाची हमें दूल्हा पसंद है। अब आप दोनों जानिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप अपना विचार बताइए। बेटी, तेरे चाचा से भी पूछ ले। चाचा जी, आपका हुक्का ही बोलता रहेगा या आप भी कुछ बोलेंगे? बोलना क्या है बेटी, जो तुम्हें पसंद वो हमें। शादी पक्की। ले बेटी, ये सगुन है। सेवाराम को मैं नौकर नहीं, अपना बेटा समझती हूँ। और तू मेरी बहू। आपका अपना कोई बेटा नहीं है क्या? अजी क्यों नहीं है जी, बम्बई में बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है, बिजनेस। विजय, अब तो रंभा को अंदर ले जाए और मिठाई लाके अपने हाथ से सबका मुंह मीठा कराए। विजया कौन है, किसकी बेटी है? सच पूछिए तो ये सारे गांव की बेटी भी है और कोतवाल भी। कोतवाल? हाँ, दिखने में तो ये इतनी सी है, लेकिन इसने कितने घर बर्बाद होने से बचाए हैं, कितने जुआरी, कितने शराबी सुधारे हैं। यूं तो इसका दुनिया में कोई नहीं है एक गाय के सिवा, लेकिन इसने अपने प्यार से सारे गांव को अपना बना लिया है। ये भगवान जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। गोरी ओ गोरी, प्रेम कर ले, ऐसा प्रेमी फिर ना मिले। बातें करेंगे, मुलाकातें करेंगे, हाँ बातें करेंगे, हाँ बातें करेंगे हम, छुपके छुपके बातें करेंगे हम, छुपके छुपके, चोरी चोरी मिलेंगे दुनिया से छुपके, किसी को भी कुछ पता ना चलेगा, ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, गोरी ओ गोरी, फिर न कहना आवाज न दी, प्रेम कर ले, ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, आ तेरे बालों में ये फूल लगा दूं के ऐसा फूल फिर ना खिलेगा, ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, गोरी ओ गोरी। पिताजी जिंदा है समाचार सुनने के लिए। माँ जी, देखिए तो कौन आया है। अरुण भैया, हम आपसे बात नहीं करते, आप हमारी शादी में क्यों नहीं आए? शादी में नहीं आया तो कौन सी आफत आ गई? वैसे मेरे मुन्ने, मेरे चिलगोजे, मेरे बच्चे, मेरे चमचे, मेरे प्यादे, मेरे रामपुर के लक्ष्मण, माँ को मैंने लिख तो दिया था कि बिजनेस की वजह से वक्त नहीं मिला। वैसे देख मैं तेरे लिए क्या लाया। घड़ी? वाह 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 वाह, बदतमीज, कैसी लगी है घड़ी? घड़ी तो अच्छी है, लेकिन आजकल टाइम देखने का टाइम किसके पास है प्रभु? माँ, तुम तो पाँव भी ऐसे पड़ते हो जैसे लोग गले पड़ते हैं। अरे छोड़ो इन बातों को, कैसी हो? नहीं, तुम कैसे? कल तक बहुत बुरा था, अभी तुमसे मिलने के बाद अच्छा होगा, कल का कोई भरोसा नहीं। मजाक छोड़ो बेटे, 4 दिन पहले आ जाता ना कितना अच्छा होता। अब तक तुम्हारी शादी की तैयारी भी नहीं। दरअसल मैं शादी करना ही नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि शादी एक बर्बादी, एक बेड़ी, एक गुलामी, एक गिरफ्तारी, एक बंधन, एक कैद, एक पुरानी रस्म, एक बासी रिवाज है वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट एंड व्हाट नॉट एंड सो ऑन लाइक दैट एंड ईटीसी है। शादी क्या नहीं है माँ। अरे तुम तो नाराज हो गई। ए माँ, नाराज हो गई क्या माँ? है और नहीं तो क्या। मैंने सोचा था तुम्हारी दुल्हन घर में लाऊंगी, 4 दिन उसके साथ हंस खेल के गुजारूंगी और फिर तुम्हें उसकी और सारी दौलत तुम्हारे हवाले कर तीर्थ यात्रा पर चले जाओगे। लेकिन तुमने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे छी 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 माँ, तुम तो सचमुच के रोने लगी। मैं तो महज मजाक कर रहा था। अरे मैं तो कुमार साहब के उन एक्टरों की नकल कर रहा था जो उनकी नकल कर करके आज अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जिनका जनता पर भी कुछ हद तक असर हो चुका है और कमाल की बात है कि तुम पे भी असर हो गया। अपने आंसू पोंछ लो माँ, क्योंकि तुम्हारे आंसू की एक एक बूंद मेरे लिए 1 करोड़ व्हाइट मनी की तरह है और तुम तो जानती हो आज का जमाना है व्हाइट मनी का मतलब है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अरे तुम क्या चाहती हो? तुम यही चाहती हो ना कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, मान जाऊं? चलो बाबा, मान गया, अब तो खुश हो तो मुस्कुराओ। तो फिर बताओ, लड़की देखने कब चलोगे? चलूंगा नहीं, जाऊंगा अकेले बिना किसी को खबर किए हुए। वो क्यों? इसमें कि आदमी लड़की तभी अच्छी तरह देख सकता है जब लड़की को पता नहीं हो कि मेरे सैया जी आएंगे पार हो नदिया, धीरे बहो मोरे सैया जी, हाय मोरे सैया जी। माधव चाचा के घर जा रही हूँ। सुकुमारी कहीं चोट तो नहीं लगी? तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब उठूं तो पता चले। अरे ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस तरह गाड़ी चलाते हैं, मेरी कमर ही तोड़ दी। अरे तो इसमें प्यारी हमारा क्या कसूर? बेचारी इतनी नाजुक है। दूर से बात करो, मैं कोई शहर की फुलझड़ी नहीं हूँ। अरे मगर तुझे फुलझड़ी कह कौन रहा है रानी, तू तो बारूद है, बारूद। लक्ष्मी जिसको पुकारना पुकार लो, पुकार लो। इस शहरी बाबू से पूछो, मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। क्या क्या विचार है बाबू? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? गिरधारी लाल केवल मिश्रा, माँ बहन तो है, बीबी नहीं है। होश में आकर बात करो बाबू। आज तक तुझ जैसे लोगों के हाथ हमेशा मेरे चरण छूते आए। गिरबान पर हाथ लगा दिया, उसका अंजाम मालूम है क्या होगा? तुम लोग कुछ मत करो, इसे सीधे थाने ले जाओ। 2 दिन जेल की हवा खाएगा तो दिमाग अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा। तुम्हारी माता जी तुमसे मिलने आई। मुझे किसी से नहीं मिलना है, आप जाकर कह दीजिए। अच्छा। रोइए नहीं माँ जी, रोइए नहीं। मुंशी जी, रोने तो क्या करूं? ऐसे देवता जैसे बाप का बेटा इतना नालायक निकला, उसने मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिया। आज मैं से जेल में मिलने गई तो उसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। मत रोइए माँ जी, मत रोइए। लगता है अरुण बाबू अपने केस पछता रहे, तभी तो आपसे मिलने से इनकार कर दिया हमारे शर्म के। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? वो वहाँ जेल में 3 महीने सड़ेगा, और मैं यहाँ दुख में चलूंगी। उसे ये क्या सोची उस लड़की को छेड़ने की, जिससे मैं उसकी शादी करना चाहती थी। अब उस लड़की के सामने मैं माथा भी रगड़ूंगी, मेरी बहू नहीं बनेगी। क्या खराबी इसके नाच में? खराबी नाच में नहीं, नाचने के ढंग में। इतना गंदा, छी। दिस इज आर्ट, कला कहते हैं कला इसे। तुम गांव की गवार लड़की क्या समझोगी इसे? दुनिया कितनी तरक्की कर गई कुछ मालूम है तुम्हें? अपनी तरक्की अपने पास ही रखो बाबू, हमारे लिए तो लाज अब भी स्त्री का गहना है, समझे? क्यों मुखिया चाचा, सेठ जी, मामा, आप सबके घर में जवान बहू बेटियां हैं, फिर भी आप ऐसा नाच देखकर झूम रहे थे? झूम रहे थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उठो भैया उठो, ऐसा गंदा नाच हमें नहीं देखना। चलो बिल्कुल नहीं देखना भाई, चलो। लड़की, तुम्हें अगर ये नाच अच्छा नहीं लगता है तो तुम जा सकती हो, ये गाँव वालों को रोकने वाली तुम कौन हो? मैं इस गाँव की बेटी हूँ, ये सब मेरी बहनें, मेरे चाचा, दादा, मामा सब कुछ है। मैं पूछ सकती हूँ तुम कौन हो? मैं इस मशहूर कलाकार मोहिनी का भाई हूँ। भाई? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने आप को भाई कहते हुए? मर्द होकर अपना पेट पालने के लिए अपनी बहन को नचवाते हो, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। चाचा, मामा, ठहरिए। लक्ष्मी, छोड़ दो इन्हें, कुछ भी हो ये हमारे मेहमान हैं। जाइए आप। बहन, तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर है कि आदमी देखता रह जाए, तुम्हें इस तरह अपना बदन दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। चलो लक्ष्मी। सारी बोतलों और कूड़े के डब्बे में जाकर डाल दो। कूड़े के डब्बे में डाल दो? साहब, इसे तो आप बड़े प्यार से अपने सीने में उतारते थे। मुझे उन दिनों की याद मत दिलाओ सेवाराम, मैं इन चीजों से कोसों दूर चला गया। प्रभु तेरी माया, जहाँ धूप की वहाँ छाया। अरुण भैया, तो आप अपनी मियाँ का आगे खा जाइएगा। क्या खास तंदूरी चिकन आपके लिए बना है, और बिरयानी का तो जवाब नहीं। नाक में खुशबू जाती है, मुँह में पानी आता है। सेवाराम। हाँ भैया। आपने बिरयानी और मुर्गा हटा लो मेरे सामने से। लेकिन क्यों अरुण भैया, पहले तो आप चटके ले लेके खाते थे, अब क्या हो गया? अब मैंने मांस मछली खाना भी छोड़ दिया है, शाकाहारी हो गया हूँ। बहस मत करो, ले जाओ। चयन है। करेक्ट। क्या बारिश बंद हो गई। कहाँ से आ रही थी आप लोग? पास के गांव में मेला था ना, वहीं से। बस अब ज्यादा मुंह न लग किसी की, नहीं तो वही बात होगी। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया। मैं अपने गुनाह के लिए कानून की सजा भुगत चुका हूं, और फिर सच्चे दिल से पश्चाताप करने वालों को तो भगवान भी माफ कर देता है। आप नहीं करेंगी? दाल बत्ती गाय के मुंह में, जरूर कोई बात है। राम राम। अरे गंगू क्या हुआ? वो देखिए। ये किसका काम है? कुछ गुंडे थे, मैंने उनको देख लिया और रोकने की कोशिश की, उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। उस वक्त इस गाय ने आकर मेरी जान बचाई। अरे सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब मुसाफिरों की जान भी इस गाय ने बचाई है ट्रेन को रोक के। अरे क्या गाय है। लक्ष्मी, ये गाय तुम्हारी है? जी हाँ, ये मेरी है और मैं इसकी हूँ। शाबाश बेटी शाबाश, बहुत अच्छी गाय है। तुम जरा ठीक से खड़ी हो जाओ। क्यों? अरे मैं अखबार का फोटोग्राफर हूँ, तुम्हारी और गाय की तस्वीर निकालकर मैं अपने अखबार में छापूंगा। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ बेटी, तुम्हारी फोटो अखबार में छपेगी तो हमारे गांव का नाम सारे भारत में हो जाएगा। अरे भाई ले लो ले लो। आप लोग जरा हट जाइए। जरा मुस्कुराइए। ओके। मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। क्या? मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। आप मेरी लक्ष्मी को ले जाने आए हैं? हाँ बेटी। इतने वर्षों के बाद? धन तो हमेशा धनी का ही होता है, चाहे वो किसी के पास रखा रहे कितने ही वर्षों तक। फिर परदेश जाते हुए मैं अपनी गाय तुम्हारे हाथ बेच के नहीं गया था, अमानत के तौर पे तुम्हें सौंप के गया था। कहा कि अमानत चाचा? तब तो ये एक बीमार बछड़ी थी और आप इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि ये आपके लिए मुसीबत थी, बोझ थी। मैं ही तरस खाकर इसे आपके आंगन से उठा लाई। आज ये मशहूर हो गई, कीमती हो गई, इसीलिए आपकी हो गई। मैंने बरसों तक इसकी सेवा की, इतना प्यार दिया और इस पे मेरा कोई हक नहीं। बेटी, मैं तुम्हारी तमाम सेवा और प्यार की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितने दूं? बस कीजिए चाचा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे कीमत की बात न कीजिए। मेरे और लक्ष्मी के प्यार को पैसे के तराजू में मत तोलिए। आप ऐसा कीजिए, मेरी छोटी सी झोपड़ी और जमीन अपने नाम लिखवा लीजिए, लेकिन मेरे लक्ष्मी को मुझसे न छीनिए। मुखिया चाचा, बेटी, आप लोग सब तो जानते हैं मेरा और लक्ष्मी का क्या रिश्ता है, आप लोग इन्हें समझाइए ना। देखो किशन, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, मुझे तुम्हारी जमीन या झोपड़े का लालच नहीं है, लेकिन मैं अपनी जगह मजबूर हूँ। ज्योतिषियों ने मेरी कुंडली देख के कहा है मेरी मुसीबतों के पीछे मेरा एक ही पाप खड़ा है। मैं इस गोमाता को बीमारी की हालत में छोड़ के चला गया था। मैं जब तक इस पाप का प्रायश्चित नहीं करूंगा मेरी मुसीबतों का अंत नहीं होगा, इसलिए मैं इस गाय को लेके ही जाऊंगा। हम भी देखते हैं किसकी मजाल है जो हमारी बिटिया से इस गाय को कोई छेड़े। मैं जानता था तुम लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैं अपने हक की हिफाजत का इंतजाम करके आया हूँ। मान लो, देखो किशन, हद से मत बढ़ो, मामला बड़ा संगीन हो सकता है। मुखिया जी, लाठियां पहले तुम्हारी तरफ से उठी थी। अगर तुम चाहते हो एक जानवर के लिए इंसान का खून न बहे तो मुझे अपनी गाय वापस ले जाने दो। तो सुनो, हम लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। खून खराबा होता है तो हो जाए, हम भी तैयार हैं। मंगो! ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रोक लीजिए अपनी लाठियों को। मैं आप लोगों के पांव पड़ती हूँ। आप लोगों का खून लक्ष्मी और मेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती है। आपको मेरी गाय ही चाहिए ना? चलिए मेरे साथ। लक्ष्मी, तुम्हें पाला मैंने जरूर है, लेकिन तुम्हारे असली मालिक तो ये है। चले जाओ उनके साथ। तुम अगर नहीं गए तो इस गांव में खून की नदियां बहने लगेंगी। कब तक भूखी प्यासी रोती रहोगी? कुछ तो खा लो। खा लेना दीदी। खा दो बेटी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं लक्ष्मी के बिना जिंदा नहीं। अरे अरे विजय बेटी, विजय बेटी, क्या हुआ? विजय बेटी, विजय बेटी, क्या हुआ? लक्ष्मी लक्ष्मी तो आ गई। लक्ष्मी लेकिन तू आई कैसे? बेटी तेरी लक्ष्मी को लाने वाले ये हैं। तुम लाए हो मेरी लक्ष्मी? जी हाँ, इस गाय का असली मालिक मेरा रिश्तेदार है। मैं उनके यहाँ काम से गया था तो इस गाय को देखा। आपसे बिछड़ कर न ये खाना खाती थी न पानी पीती थी, इस तरह चीखती थी सुनकर कलेजा दहल जाए। इस बेजुबान का यह हाल था तो मैंने सोचा आपका क्या हाल हो रहा होगा। मुझसे रहा नहीं क्या और इसीलिए मैं इसे यहाँ लेता आया। लेकिन वो आदमी माना कैसे? वो आसानी से नहीं माना। पहले मैंने उसे धर्म के वास्ते दिए मगर उसने कान नहीं धरे। फिर मैंने उसकी दया को पुकारा मगर वो पत्थर का बुत बनकर खड़ा रहा। आखिर में मैंने उससे कहा कि एक पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो इससे भी बड़ा पाप कर बैठेगा। अगर ये गाय अपनी मालकिन के विरह में तड़प तड़प कर भूखी प्यासी मर गई तो उस पर गो हत्या का पाप लगेगा। और ये सुनकर वो डर गया। उसने गाय मुझे वापस लौटा दी आपको सौंपने के लिए। अब ये गाय आपकी है, सिर्फ आपकी। इसे आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। मैंने उससे कागज भी लिखवा लिया है, ये देखिए। लीजिए ना। आपके इस एहसान की कीमत मैं कभी नहीं चुका सकती। आप चाहें तो एक मिनट में चुका सकती हैं। आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द काफी है। कहिए। अगले हफ्ते मेरा ब्याह हो रहा है। मेरे पिछली सारी गलतियों को माफ करके आप मेरी शादी में शरीक होंगी और अपनी शुभकामनाएं मुझे देंगी तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा। कहिए, आप मेरी शादी में आएंगी ना? जरूर आऊंगी, और वो भी अकेली नहीं, सारे गाँव वालों को साथ लेकर। ये मेरा बेटा है। ये आप कैसा अन्याय कर रहे हैं पिताजी? मेरी गाय जैसी बहन को एक कसाई के हाथ में सौंप रहे हैं आप। मैंने जब सुना मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। चलो बहन जी, ये क्या मजाक हो रहा है? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, शुभ कार्य में विघ्न मत डालो। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी बहन के भाग जाग उठे हैं। वो इतने बड़े घर में जा रही है जहाँ लक्ष्मी एक अदना दासी। तो क्या धन दौलत की वेदी पर आप मेरी बहन की बलि चढ़ाना चाहते हैं? क्या आपको मालूम नहीं जिसके हाथ में आप मेरी बहन का हाथ दे रहे हैं वो जेल से लौटा हुआ एक मुजरिम है। मगर बेटा। मगर कुछ नहीं पिताजी, मैं अपनी बहन को फांसी नहीं लगने दूंगा, चाहे वो फांसी सोने के तारों से क्यों ना बनी हो। भाई साहब, जल्दबाजी से काम लेना ठीक नहीं है। ये सच है वो जेल गए थे और मैंने उन्हें भेजा था, लेकिन अब वो बिल्कुल सुधर गए हैं। मैं उनकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई जमानत या सिफारिश मानने के लिए तैयार नहीं। बहन उतार दो इनके सब दिए हुए जेवर। मैं इस मंडप से बगैर शादी के नहीं जाऊंगा। लोग मेरे सहरे का मजाक उड़ाएंगे मां, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राम प्रसाद जी, आप बोलते क्यों नहीं? अब मैं ये बारात लेकर कहाँ जा सकती हूँ? अब इसके बाद मेरे बेटे के साथ कौन अपनी बेटी का रिश्ता करेगा? ये तो आपके बेटे को सोचना चाहिए था, जो कंवारी लड़कियों पे ऐसे झपटता है जैसे मासूम चिड़ियों पे बाज। ये और बात है कि अब कुछ चिड़िया उस बाज के गुण गाने लगी। इसका मतलब ये हुआ आदमी बिगड़ कर सुधर नहीं सकता। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? जो शादी से पहले बुरे थे वो बाद में अच्छे हो गए, जो पहले अच्छे थे वो बाद में बुरे हो गए। ये तो आदमी पर है, वो सुधर भी सकता है बिगड़ भी सकता है। ये मेरा पक्का विश्वास है। अगर तुम्हारा इतना ही पक्का विश्वास है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती शादी इससे? क्यों अब जबान को ताला क्यों लग गया? दूसरों को समझाना आसान है, खुद भुगतना मुश्किल होता है ना? चलो बहन बेटा। अरुण मुझे मालूम हो गया माँ, यहाँ लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते मगर इंसान की एक छोटी सी भूल क्षमा नहीं कर सकते। इससे तो अच्छा आदमी शर्म से बचने के लिए अपने चेहरे के सारे फूल नोच डाले और एक ही बार रस्सी पर झूल जाए। नहीं बेटे नहीं, नहीं माँ मुझे मर जाने तो मैं नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रहूंगा माँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं माँ नहीं, आप मर्द होकर कैसी कायरों जैसी बातें कर रहे हैं? एक बार बांधा हुआ सहरा कभी सर से उतारा नहीं जाता। आप शादी करने आए थे, शादी करके जाएंगे। शादी कौन करेगा मुझसे शादी? मैं जेल से लौटा हुआ एक मुजरिम, उस समाज की नजर में एक गुनहगार हूं। मुझे शादी करने का कोई हक नहीं। ना ही कोई बाप अपनी लड़की मुझे देगा और ना ही कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। मेरी जिंदगी अब खत्म होनी ही चाहिए, मेरी जिंदगी अब खत्म। आपसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। क्या बात है लक्ष्मी, तुम्हें मेरा फैसला पसंद नहीं? बेटी सिर्फ लक्ष्मी को ही नहीं, हमें भी ये फैसला मंजूर नहीं। क्यों मुखिया जी? हाँ बेटी, ये शादी ब्याह का मामला है। भावनाओं के जोश में आकर तुम्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों का प्यार समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अपनी ही कसौटी पर परख रही हूँ। मेरा विश्वास है आदमी बिगड़कर सुधर सकता है और इसी विश्वास के लिए मैं अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरा फैसला बदल नहीं सकता। लक्ष्मी तुम भी जाओ। अरे ये अब वो नहीं रहे जो तुम समझ रही हो। याद है एक बार जब हम दोनों अलग हो गए थे तो इन्होंने हमें मिला था। जाओ लक्ष्मी, जाओ जाओ। नाच मेरी दुल्हन को पसंद नहीं है। आप सब लोग हमें माफ करेंगे। मुंशी जी आप इनके पैसे दे दीजिए, बल्कि जितना तय किया उससे दोगुना दे दीजिए। माफ कीजिए साहब, आप जैसे लोग पैसे देते रहते हैं और हम जैसे लेते रहते हैं, मगर इस तरह बेआबरू होकर आज तक कहीं से नहीं निकले। कोई बात नहीं, अब निकल जाइए, आपको अपनी आबरू की पड़ी है, मुझे अपनी दुल्हन की खुशी का ख्याल है। चलो। तो तुम्हारा रूप और भी खिल रहा है, जैसे पहली रात का चांद होता है, नीले आकाश में पड़ी हुई चांदी की एक लकीर। अच्छा विजय, ये बताओ हम तुम्हें कैसे लगते हैं? बताओ, बताओ ना विजय, बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं ठहरी एक बिल्कुल गंवार देहाती लड़की। अच्छा एक बात बताओ विजय, तुम्हारे यहाँ जब लोग बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, नाचते हैं, गाते हैं, खूब धूम मचाते हैं। तो फिर तुम भी हमारे सामने आज खूब धूम मचाओ ना, नाचो गाओ। मैं? हाँ तुम। देखो चाहो तो इसे मेरी पहली फरमाइश मानो, यह अपने पति की पहली आज्ञा। गाओ विजया, गाओ। भाई अगर तुम नहीं गाओगे तो हम नाराज हो जाएंगे। क्या रह गया? तुमने मुझे जेल भिजवाया था, उसी का बदला ये शादी। तुम बड़ी होशियार बनती थी ना, लेकिन जरा हमारी अक्ल की भी तारीफ करो। उस नाटक की दाद दो जिसे हमने इतनी मेहनत से तैयार किया तुमसे शादी करने के लिए। नाटक का पहला अंक, जेल से निकलने के बाद शराब बंद, मांसपन, एक पापी पूरा साधु बन गया। नाटक का पहला अंग तो आप समझ गए, अब आपको नाटक का दूसरा अंग बताता हूं। जब मुझे पता चला कि आप अपनी सहेलियों के साथ मेले से वापस गांव की ओर लौट रही हैं, तो मैंने फौरन अपने आदमियों को चोर बनाकर भेजा आपका रास्ता रोकने के लिए और आपको लूटने के लिए। और फिर मैं वहां खुद हीरो बनकर पहुंच गया, उन्हें भगाकर आपको बचाने के लिए। उसके बाद मैंने तुम्हारी गाय का कारनामा अखबारों में पढ़ा। कारनामा पढ़ने के साथ ही मेरे दिमाग का कारखाना जोर शोर से चलने लगा। सारा नक्शा एक मिनट में तैयार हो गया। उसके मुताबिक पहले मैंने उस गाय के असली मालिक को ढूंढ निकाला, उसके जरिए तुमसे तुम्हारी गाय छिनवाई, फिर उससे वही गाय खरीद कर तुम्हें लौटाई। क्यों? ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और इस ड्रामे का तीसरा अंक तो तुम्हें मालूम ही है, मेरी शादी का नाटक। मंत्र पढ़ने वाला पंडित, वेदी पर बैठी हुई दुल्हन, उसका बाप और झगड़ा उठाने वाला उसका भाई, सब के सब पैसे से खरीदे हुए बहरूपिया थे, सिवाय मेरी माँ की। वैसे आपकी दुआ से अभी तक दुनिया हमें एक बहुत ही अच्छा एक्टर मानती है। भाई देवी, आपको कैसा लगा ये ड्रामा? अब जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। तुमने तो मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए जेल भिजवाया था, लेकिन हम तुम्हें उम्र कैद का फैसला सुना रहे हैं। आज से हम पति पत्नी होंगे सिर्फ दुनिया की नजरों में। पर्दे के पीछे न तुम हमारी पत्नी होगी और न हम तुम्हारे पति। तुम्हें मेरा फैसला पसंद नहीं? अरे ये अब वो नहीं रहे जो तुम समझ रही हो। याद है एक बार जब हम दोनों अलग हो गए थे तो इन्होंने हमें मिला था। जाओ लक्ष्मी, जाओ जाओ। अब मुझे पता चला शादी के वक्त तुम मुझे क्यों रोक रही थी। एक जानवर होकर तुमने उन्हें पहचान लिया और मैं एक इंसान होकर ये ना जान सकी कि सिर्फ बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रहे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी लक्ष्मी। मैंने सब सुन लिया है बेटी। ऐसे नालायक बेटे की माँ बनने से तो अच्छा होता मैं बाज ही रह जाती। माँ जी, आज से वो न मेरा बेटा है न मैं उसकी माँ हूँ। अब मैं इस घर में कदम तक नहीं रखने दूंगी। नहीं माँ जी, ऐसा कभी नहीं कीजिए। वो मुझसे और दूर हो जाएंगे। ये मेरे जीवन का संग्राम है, मुझे ही लड़ने दीजिए। मेरा ये विश्वास है जीत मेरे सब्र की ही होगी। धर्मशाला खोल दी है क्या? ये गाड़ी किसकी है? कुत्ता किसका भौंक रहा है? वो नाचने वाली का है साहब। अरे कौन नाचने वाली को यहाँ ठहराया गया है? मुंशी ये ना ठहराया है साहब। अच्छा अच्छा, आप यहाँ? और वो भी आज की रात? कुछ मत पूछो, मैं बहुत दुखी। मैं तो यहाँ से रात गुजारने के लिए आया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों के यहाँ ठहराया गया। अच्छा कोई बात नहीं, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, मैं फिर आऊंगा। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? घर के मालिक को घर में जगाना हो, ऐसा कभी हो सकता है? आइए तशरीफ लाइए। नहीं ठीक है, प्लीज आइए आइए। बैठिए। मैं अभी आई। अरे कुत्ता क्या भौंक रहा है? कौन आया बाहर? दूल्हा। दूल्हा? मालूम होता है अपनी दुल्हन से लड़कर आया है। अरे ये बोतल कहाँ ले जाती है? दुल्हे को बोतल में उतारने के लिए। उसके सुहाग रात जरा रंगीन हो जाए और मेरे बदले की आग जरा ठंडी। अरे सुनो सुनो सुनो, एक पे प्रचार के जाओ। बस भी करूँ। Thank you, thank you. ज्यादा कर दी है। अब बिक्री हो जाएगी। करीब ला रहा हूँ। करीब आने से दूर जाने का दुख और बढ़ जाएगा। क्या मतलब? आपको शायद मालूम नहीं, कल हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे कोई नहीं जाएगा यहाँ से, तो हमेशा यहीं रहोगे, हमारे पास, हमारे घर में, हमारे दिल में। क्या हुआ? इस तरह नहीं। तो किस तरह? मैं नहीं चाहती मेरा भी वही हाल हो जो इन बोतलों का होता है। शराब खत्म हो जाने के बाद इन्हें उठाकर सड़कों पर फेंक दिया जाता है, फिर उनकी कोई कीमत नहीं रहती। हम तुम्हें कभी नहीं फेंकेंगे, हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे। और रही तुम्हारी कीमत की बात, तो तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिलेगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? आप एक बेघर को घर देकर हमेशा के लिए उसे अपना गुलाम बना सकते हैं। अरे इतनी सी बात, तो समझो हमने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें गुलाम बना लिया। तब खुश हो जाओ, तुम जो चाहोगी मिलेगा। जाकर नाश्ता कर दे, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अच्छा भैया। खामोश, तू जाकर नाश्ता लगा, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अच्छा भैया। मैं भी अछूत नहीं हूँ। आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं ना, लेकिन अपनी जिंदगी में मुझे इतनी जगह तो दीजिए जो आपके नौकरों को हासिल है। माफ कीजिए, वो जगह भी आपको नहीं मिल सकती है। मैं जहर खा सकता हूँ, मगर आपके हाथ का लाया हुआ खाना नहीं खा सकता। अरुण, अरुण भैया एक बात पूछूं? बोल। भाभी सुबह से भूखी बैठी है, मुंह में अनाज का एक भी दाना नहीं गया। अच्छा? हाँ। राधे जी। जी। आपसे एक बात पूछो। पूछो जी। आपने तो खाना खा लिया होगा? हाँ, मैंने तो खा। फिर ये लेक्चर क्यों दे रहा है? जूता कहाँ है मेरे? मैं लाता हूँ। अबे ये तेरा बाप देगा क्या? मैं दूंगा, मैं दूंगा। आप यहाँ क्यों है मेरे सामने? आप मेरे हाथ का लाया हुआ खाना नहीं खा सकते, लेकिन जूता तो पहन सकते हैं। जी नहीं, ये भूल है आपकी, जूते भी नहीं पहन सकता हूँ। और आपको एक बात बता देता हूँ, गौर से सुन लीजिए, आपके इन ड्रामों से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है, समझिए आप? लाइए। इतना सारा पैसा लेके कहाँ जा रहे हैं? ये आप पूछने वाली कौन होती है? ये आपके पिताजी का माल तो नहीं है ना? ठीक है, लक्ष्मी मेरा बैग लाओ। लक्ष्मी मेरा बैग लाओ। लक्ष्मी, अच्छा मेरी बिल्ली मुझे से मैं तेरा अभी इंतजाम करता हूँ। मत जाओ। लक्ष्मी, ये लीजिए और इसे छोड़ दीजिए। सुनो, अब तुम्हारी लक्ष्मी इस घर में नहीं रहेगी, इसे बाहर निकालो। नहीं, ये बेचारी मुझे छोड़कर कहाँ जाएगी, इसे यहीं पड़ी रहने दीजिए। ये आपके रास्ते में कभी नहीं आई, मैं इसकी जिम्मेदार। नहीं, इस घर में गाय नहीं रहेगी। तुम इसे भेजती हो, मैं भेजूं अपने तरीके से? नहीं नहीं, मैं इसे भेज दूंगी। आप जाइए। देखो, इस घर में इस गाय को फिर कभी दोबारा देखा, इस गाय की भी खैर नहीं और तुम्हारी भी। देखा, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तुम चली जाओ यहां से। मैं तो ब्याह के बंधन में बंधी हुई हूं जिसे मैं तोड़ नहीं सकती, लेकिन तुम तो आजाद हो, तुम क्यों इतना अपमान और जुल्म सहोगी? चली जाओ यहां से। मत रो, तुम रोगी तो मेरा जीना और मुश्किल हो जाएगा। जाओ लक्ष्मी, तुम हमारे गांव चली जाओ। तुम्हें मेरी कसम है। ऐसा नहीं कि उन नीचों को मुंह लगाया जाए। मुझे जाने दीजिए। नहीं बहू, क्या तुम्हारा कोई दर्जा नहीं? मिट्टी पे कीचड़ उछले तो मिट्टी का क्या बिगड़ जाता है माँ जी। तुम चलो मेरे साथ। करवाने और अपने घरवाले को ले जाना। तुम्हारा घरवाला तुम्हारा था कब वो? तुम तो उसे सुहाग रात को भी अपना न बना सके और वो मेरा बनने के लिए यहाँ चला आया। अब उस पर तुम्हारा क्या अधिकार है? है एक अधिकार जो सिर्फ एक देहाता पत्नी का होता है। मंगलसूत्र देख रही हूं, इसकी कीमत तुम नाचने वाली क्या जानो? ये काले मोतियों की माला। इस वक्त तुम होश में नहीं हो, मैं फिर आके बात करूंगी छोड़ो, जाने दो इसे। एक बात याद रखना, शाम तक घर खाली नहीं किया तो दोबारा मैं नहीं आऊंगी, मेरी लक्ष्मी आएगी, समझी ना? आओ लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम अचानक कहाँ से आ गई? गांव नहीं गई थी क्या? तो रहती कहाँ? तुम यहाँ रहती हो गायों के रखवाले गोपाल के पास? बहुत अच्छी जगह ढूंढी तुमने। हे गिरधर गोपाल, अब मेरी लक्ष्मी तुम्हारे हवाले है, इसका ध्यान रखना, हमेशा इसकी रक्षा करना प्रभु। उस गाय को तो मैंने घर से निकलवा दिया था, आखिर वो यहां तक कैसे पहुंच गई? ये आपकी बीवी से पूछे हुजूर, देखिए देखिए मेरे टाइगर की क्या हालत बना रखी है उसने। और ऊपर से आपकी धर्म पत्नी हमें धमकी देके गई है कि हमने फौरन घर खाली नहीं किया तो गाय को दोबारा भेज देंगी हमारे पेट में सींग मारने के लिए। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसी हालत में हम लोग यहाँ चैन से कैसे रह सकते हैं? भैया, बेहतर यही है हम फौरन यहाँ से चले जाएं। चलिए। ठहरो, किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस गाय का फौरन इंतजाम कर देता हूँ। चौकीदार, चौकीदार। जी सरकार। मोती और उसके आदमियों को फौरन बुला लो। अच्छा सर। हुजूर, एक बात और, गाय का इंतजाम तो आप कर ही लेंगे, मगर अपनी धर्मपत्नी को यहाँ आने से कैसे रोकेंगे? हम उसका इंतजाम भी कर लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते सरकार। उस गाय को तो जानता है ना, लक्ष्मी को? जानता हूँ सरकार। जाकर उसे कहीं से भी ढूंढ, उसके गले में रस्सा डाल और उसे कहीं दूर ऐसी जगह ले जाकर छोड़ दो जहाँ से वापस ना आ सके, समझ गए? बहुत अच्छा सरकार। ले पकड़। नहीं, मैं ये ऐसा नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी! भगवान, लक्ष्मी कहाँ है? कहाँ है मेरी लक्ष्मी? के मालिक होकर एक गाय की रक्षा न कर सको तो तुम गोपाल कहाँ के भगवान का जब तक तुम मेरी लक्ष्मी को नहीं लौटाओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी, तुम्हें गिरधर गोपाल ने बचा लिया। मुझे क्षमा करना भगवान, मेरा विश्वास डोल गया था और मैं तुम्हें न जाने क्या कुछ कह बैठी। चलो लक्ष्मी, घर चलो। लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें अपने आप से जुदा नहीं करूंगी। आज से तुम्हारी और मेरी किस्मत एक और जिंदगी भी, ठीक है? अब तो चलो। विजय, एक तो मेरी इजाजत के बगैर उस घर में गई, ऊपर से इस गाय को वापस ले आई इस घर में, मेरे मना करने के बावजूद। निकल जाओ तुम और तुम्हारी गाय, दोनों इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। अरुण, मेरी बहू को इस घर से निकालने वाले तुम कौन बने? इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। तो मां, मेरा फैसला भी सुन लो, तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर ये यहाँ इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। ये धमकियां किसी और को देना। तुम शौक से जा सकते हो। क्या? हाँ हाँ, जा सकते। अच्छा मां, मैं चला जाऊंगा। आप नहीं जाएंगे। माँ जी, मेरे लिए आप अपने रिश्ते न तोड़िए, वो मेरी टूटी हुई तकदीर से ज्यादा कीमती। इन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाती हूँ। हाँ माँ जी, मैं अपने जीवन की लड़ाई हार चुकी हूँ। यहाँ रहकर मुझे सुख तो नहीं मिल सकता, आपकी दुकान पड़ जाएगी। नहीं बेटी, नहीं, अब किसी के रोकने से मैं नहीं रुकूंगी। जाने दीजिए मुझे। जाने से पहले मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, मेरे साथ चलकर मुझे अपने गांव पहुंचा दीजिए। हरगिज़ नहीं, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव? मैं अकेली जाऊंगी तो गांव वाले मुझसे 1000 सवाल पूछेंगे। तुम्हारे पति क्यों नहीं है, कहाँ है वो? मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? मैं न सच बोल सकती हूँ न झूठ। मेरी खामोशी मेरे माथे का कलंक बन जाएगी। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, बदनामी नहीं। इसीलिए अपने सारे अधिकार छोड़कर मैं आपसे एक छोटा सा हक मांगती हूँ। जिस तरह से आप मुझे यहाँ ले आए थे उसी तरह मेरे साथ चलकर मुझे गांव छोड़ आइए। जी हाँ, जैसे और मेरे पास कोई काम है ही नहीं, आप खुद जाइए अपने गांव। मुझे अरुण तुम्हें जाना होगा, वरना इस देश की ही बदनामी नहीं मेरी भी होगी। माँ तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मेरी खातिर बेटे चले जाओ, तुम्हारे वापस आने के बाद ही घर बार धन दौलत सब तुम्हें सौंपकर मैं तीर्थ यात्रा चली जाऊंगी। चले जाओ बेटे चले जाओ, मैं तुम्हारे पाँव पर। माँ माँ तुम क्या कर रही हो? अच्छा माँ मैं चला जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर चला जाता हूँ, तुम्हारी बात रह जाएगी और ये बला भी हमेशा के लिए हाथ बन जाएगी। मैं अभी आता हूँ। अंदर चलिए दामाद जी। आइए ना दामाद जी। क्या हो रहा है? आपका स्वागत। हमारी बिटिया का ब्याह हो गया अचानक, उस वक्त हम आपकी खातिर न कर सके। उस वक्त जो नहीं कर सके वो आप कर रहे हैं, क्यों भाई साहब? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा वैसे आप लोगों को मेरे यहाँ आने का मालूम कैसे हुआ? आपकी बेटी कुछ दिन आप लोगों के साथ गुजारना चाहती थी इसलिए छोड़ने चला है, संभालिए इसे। ये क्या दामाद जी, अभी आए और अभी जल्दी है? गनीमत है आ भी गया मैं। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब है चाचा जी मुझे जल्दी वापस जाना। नहीं दामाद जी, इस गांव से कोई भी दामाद इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकता। जी और फिर आप तो हमारी विद्या बेटी के पति हैं, शादी के बाद पहली बार हमारे गाँव में पधारे हैं, इतनी जल्दी थोड़ा ही वापस जाने देंगे आपको। अरे मामा जी लेकिन मुझे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप चलिए अंदर। दामाजी इधर इधर इधर, यहाँ झूले पे झूलाना भी कोई रस्म है क्या? यहाँ यहाँ। दामाद जी रात के खाने का प्रबंध यहाँ हो चुका है, लेकिन सवेरे के नाश्ते के लिए आपको मेरे यहाँ चलना होगा। आपके यहाँ क्यों चाचा जी? डॉक्टर ने कहा है। नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं आप दोपहर खाना मेरे घर पर और रात का मेरे घर पर और परसों हमारे घर, उसके बाद हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाइएगा। हमारे घर पे भी आएंगे ना? हाँ बेटी जरूर आएंगे, दामाद जी सबके घर आएंगे। चाचा जी जी मैं कोई स्कूल इंस्पेक्टर हूँ जो हर स्कूल का इंस्पेक्शन करता फिरूंगा, बताइए आप। दामाद जी बड़े हंसमुख लगते हैं। मैं एक दिन भी आने अपना घर तो बेटा अब तुम 10 दिन के लिए भूल ही जाओ। 10 दिन के लिए? हाँ चलिए भूल जाते हैं फिर, ऐसी क्या। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता, मुझे घर जाना होगा मामा जी। आपको तो रुकना ही पड़ेगा दामाद जी, नहीं तो हम आपकी गाड़ी के आगे रास्ते पर लेट जाएंगे और सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह? चाचा जी सत्याग्रह तो पुराने जमाने की बात हो गई, हम घेराव करेंगे। घेराव? आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त बहुत थक गए हैं, आराम करने दीजिए, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। हाँ हाँ ये भी ठीक है। जयराम जी की दामाद जी। हाँ भाई चलिए 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 चलिए। दामाद जी आप कहाँ? आप नहीं हम। जयराम जी दामाद जी आओ आओ। आइए बेटा। पागल लोग ना, जो रुकना नहीं चाहता उसे जबरदस्ती रोक सकता है क्या कोई? त्याग तो होता ही है पागल। देखिए ना, वो बेटी कितनी खातिर नहीं कर रहे हैं जितनी दामाद की कर रहे हैं। अरे मुझे कोई खातिर वातिर नहीं चाहिए, ना मैं किसी का दामाद हूँ ना किसी का फैदी। मैं जा रहा हूँ। आप यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? आप माने या न माने कैदी तो आप बना लिए गए। आप यहाँ से उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक मैं आपको जाने की इजाजत न दूं। आप कौन होते मुझे इजाजत देने वाली? आपकी पत्नी। मेरे एक इशारे पर इस गांव में अगर आपके स्वागत का इतना शानदार इंतजाम हो सकता है तो आपको जाने से भी रोका जा सकता है। चौंक क्यों गए? वहां आप मुझसे हमेशा दूर रहते थे और मैं आपके पास रहना चाहती थी, इसीलिए मजबूर होकर आपको पास रखने का ये तरीका सोचा मैंने। यानी ये सब तुम्हारा नाटक था? जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही नाटक जैसा आपने खेला था मेरे साथ। फर्क सिर्फ इतना है, उसमें आपकी माताजी ने आपका साथ नहीं दिया और इसमें उन्होंने पूरा साथ दिया है मुझे। कहिए, कैसा लगा मेरा नाटक? नाटक तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, लेकिन अफसोस है कि नाटक तुम्हें महंगा पड़ेगा। मैं कहता हूँ हट जाओ। जी नहीं। मेरे रास्ते से हट जाओ। जी नहीं। हट जाओ। क्या हुआ था भैया? क्या हुआ भैया? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं चाचा जी, दीवार से बिल्ली कूदी और मैं डर के गिर गई। बिल्ली थी तो ठीक था, हम समझ बैठे कि कहीं शेर ने पंजा तो नहीं मार दिया। मेरा मतलब है दामाद जी ने। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये भला कभी हाथ उठा सकते हैं मुझ पर? तुम ठीक कहती हो बेटी। दामाद जी बिटिया के प्यार में यूं ही कुछ कह बैठे, बुरा ना मानिएगा। अच्छा हम चलते हैं। दामाद जी और कहीं नहीं जा रहे हैं, यही आपके दरवाजे के बाहर ही होंगे। यानी आप लोग पहरा देंगे? पहरा नहीं, हाजिरी, सेवा। दामाद जी अगर आधी रात को आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप हमें यही मौजूद पाएंगे। जी हाँ, चलिए भाई साहब, चलिए। ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। मैं देखता हूं आप मुझे कब तक यहां बांध कर रखोगे। अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? मैं नहीं चाहती आप उनकी नजरों से गिर जाए जो आपकी इतनी इज्जत करते हैं। चलिए खाना खाते। मुझे खाना नहीं खाना है। बोतल कहाँ गई? बोतल कहाँ है? मैंने पी ली। क्या? मैंने पी ली। तुमने पी ली? शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? शर्म किस बात की? आपकी मोहिनी पी सकती है, मैं नहीं पी सकती। मोहिनी और तुम में कोई फर्क नहीं है क्या? क्या फर्क? वो भी औरत है और मैं भी औरत हूँ। नहीं, वो दो कौड़ी की औरत रास्ते का कूड़ा है, लोगों के लिए याशी की एक चीज। और तुम मेरी प्याता पत्नी हो, मेरी बीवी हो। क्या कर रही हो तुम? आज मैंने जान लिया है आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैं आपकी पत्नी हूं। इसीलिए मैं पीने का ढोंग कर रही थी। ये लीजिए, मैंने पी नहीं थी, छुपा दी थी। कहती है मैंने एक एक चीज बहू के नाम लिख दी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। चलो जाओ। अरे जाओ, देखते क्या हो। अरे जाओ ना, चलो। अच्छा मुखिया जी, अरे क्या हुआ? बच्ची को सीढ़ी से गिर गई है। वैद्य ने फौरन अस्पताल ले जाने के लिए कहा। खून देना होगा। बेटी, तुम तो जानती हो अस्पताल यहाँ से 10 मील दूर है और गांव में फौरन मोटर का इंतजाम नहीं हो सकता। अगर दामाद जी अपनी मोटर पे इसे ले चलें तो शायद मेरी इकलौती बच्ची की जान बच जाए। कैसी बातें करें मुखिया जी आप भी? ये तो हमारा फर्ज है। आइए बैठिए गाड़ी में। आप मुझे जाने की इजाजत है? जरूर चाहिए, ये एक बच्ची की जान का सवाल है। वेरी गुड। और अगर कहीं आपका ये कैदी वापस नहीं लौटा, मेरे कहने का मतलब है कि फुर्र से उड़ गया, तो मेरे दिल को दुख जरूर होगा, लेकिन मेरा सर हमेशा ऊंचा रहेगा कि मेरे पति ने एक मासूम बच्ची की जान बचा ली। चाहिए। अच्छा, तो हम चलते हैं। नमस्ते। डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मुझे बड़ा अफसोस है, बच्ची का खून ये भी ग्रुप का है और आप में से किसी का भी खून उस ग्रुप से नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, किसी तरह मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, बचा लीजिए। मैं घर ही के आ सकता हूँ। इस टाइप का ब्लड यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? भगवान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची है। मुखिया जी, होल्ड इट। चाचा। डॉक्टर साहब, कौन से ग्रुप के खून की जरूरत है? AB ग्रुप। आपको शायद मालूम नहीं, बड़ा खास टाइप का ब्लड होता है वो। और आपको भी शायद मालूम नहीं, मैं बड़ा ही खास किस्म का आदमी। जी, मेरा मतलब है कि इत्तेफाक से मेरे खून का ग्रुप भी वही है। रियली? आर यू श्योर? जी हाँ, कॉलेज के जमाने में कई बार रक्तदान कर चुका हूँ। आइए, हरी अप। दामाद जी, आप मेरी बच्ची को खून देंगे? चाचा जी, दामाद जी ने तो आज तक हर बार, हर काम, हमेशा हर लोगों से हटकर ही किया है। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं चाचा जी, दीवार से बिल्ली कूदी और मैं डर गई। आज मैंने जान लिया है आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो मेरे दिल को दुख जरूर होगा, लेकिन मेरा सर हमेशा ऊंचा रहेगा कि मेरे पति ने एक मासूम बच्ची की जान बचा ली। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तू भी कहाँ चली गई इस वक्त? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? खामोश, आवाज निकाली तो गोली छोड़ा दूंगा। लक्ष्मी, इस पे दस्तखत करो, करो वरना। आई आई अरुण बाबू, अच्छा हुआ कि आप आ गए। ये सब क्या हो रहा है? आपको मालूम नहीं आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। आपकी माँ ने सारी जायदाद आपकी दीदी के नाम कर दिया है। हम वो आपके नाम करवा रहे थे, हमें तो घर से भी निकाल दिया। हाँ, अच्छा हाँ। और ये क्या कह रही हैं? साफ इनकार कर रही हैं। आप जरा बंदूक मेरे हवाले कीजिए। लाइए, डरे मत, बहुत पाप किया है मैंने। एक पुण्य का काम भी कर लेते हैं। मैं ना को हाँ में बदलना अच्छी तरह जानता हूँ। एक दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत! दूर हटकर खड़ी हो जा, मेरी बीवी पर तेरा गंदा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, ये आज आपकी बीवी हो गई और मैं कुछ भी नहीं? तुम वही हो जो पहले थी, लोगों के लिए तफरी की एक चीज समझी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसकी जिंदगी से खेलने के बाद आज अचानक अपनी बीवी से प्यार हो गया। सब समझता हूँ अरुण बाबू, कल तक की मिट्टी का खिलौना थी, आज सोने की मूर्ति बन गई, इसलिए ना? सोने की मूर्ति तो पहले भी थी, सिर्फ मैं ही इसे नहीं पहचान सका था और उठाकर इसे मिट्टी में फेंक दिया था। विजय, मुझे माफ कर दो। मैं गया था ये सोचकर कि कभी वापस नहीं लौटूंगा, और देख लौटा हूँ ये फैसला करके कि कभी वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। आप लोग यहाँ से दफा हो जाइए, और अगर ना गए तो क्या गोली चला दोगे? चला दूंगा। गोलियां बंदूक में नहीं, मेरी जेब में है। मुझे माफ करना, मैंने तुम दोनों के साथ बड़ा नाटक खेला, अपने सुधार का झूठा नाटक। लेकिन तुम दोनों का नाटक मेरे नाटक से ज्यादा बढ़िया निकला। उसने सचमुच मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधार दी मां। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी ठहरो, ठहरो लक्ष्मी। कहां जा रही हो हमें छोड़कर? मैं तुमसे भी अपने पापों की क्षमा मांगता हूं। चलो अब घर चलें। लक्ष्मी तुम अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं लक्ष्मी नहीं, तुम में तो सबसे बढ़ के दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, क्योंकि तुम देवी हो, सारे संसार की मां हो। हाँ लक्ष्मी, ये मत भूलो, आज ये ना होते तो मैं भी ना होती। अगर तुम चाहती हो मैं इनके साथ खुश रहूं तो इन्हें क्षमा कर दो। सबसे अच्छी माँ, हाँ। ना बोलो यहाँ